वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोशियोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, साथ में जो है शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रश्न संख्या एक से, जिसमें दिया हुआ आपका समाज में सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा था, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें है समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑगस्टन कौथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है संथाल आंदोलन के नेता कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सिको एवं कानो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था, राजनीति को जो है शक्ति का विज्ञान किसने कहा था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कास्ट एवं क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी जी एस ध्रुवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें है किसने समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर यानी वार्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है, प्रशांत घाटी जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर यानी केरल। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है यानी किससे संबंधित है, जनजाति आंदोलन या संथाल आंदोलन या चिपको आंदोलन या किसान आंदोलन, जिसका आंसर हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन यानी गौ नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी 1905। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी कोई नहीं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अनुच्छेद 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जो है कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी बीपी मंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी 1975। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत के नवीन राज्य है, यानी भारत के जो है कौन सा नया राज्य बना है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी 12%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है हरित क्रांति संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर में दिया हुआ है चीनी उत्पाद, ख में है सब्जी उत्पाद, ग में है ऊर्जा उत्पाद, घ में है खाद्यान्न उत्पाद, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी खाद्यान्न उत्पाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जाति व्यवस्था का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया था, जाति व्यवस्था का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया था, जिसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर यानी जी एस ध्रुवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी व्यक्तिवादिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, विनोबा भावे जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी भूदान आंदोलन। ठीक है, जाएगा आपका भूदान आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक जाति नहीं है, जाति नहीं है तो वो ये है कि वैश्य जो है वो कोई जाति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उपनिवेशवाद का संबंध है, उपनिवेशवाद का संबंध है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी पूंजीवाद से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार
क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी जाति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है, जिसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो है काफी जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है पूरे भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी 1995। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, धर्म का तात्पर्य क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गौ यानी प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून यानी कौ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रभु ज्योति की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका खौ नंबर यानी टोटमवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिसमें है वो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण का कारक है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका घौ नंबर यानी सभी। ठीक है, चलिए इसका पश्चिमीकरण जो है रेडियो टेलीविजन समाचार पत्र सारे हो जाएंगे यानी में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, परिवार का उदाहरण है, परिवार का एक उदाहरण है प्राथमिक समूह या द्वितीय समूह या दोनों या कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा कौन नंबर यानी प्राथमिक समूह। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से या राजेंद्र प्रसाद से या सुभाष चंद्र बोस या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी महात्मा गांधी कौन नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है, कौन नंबर में बिहार, खौ में है नई दिल्ली, गौ में है भारत, घौ में है सभी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर यानी भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा था नगरीयता का जीवन पद्धति है, नगरीयता जो है एक जीवन पद्धति है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घौ नंबर यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको जो है कहा है जॉर्ज सिमुले और एक अमेरिकन जो है सोशोलॉजिस्ट थे लुइस विर्थ, ये कहा है, ये दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तभी सही करना है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, बलवंत राय मेहता जो है समिति संबंध है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गौ नंबर। ठीक है, पंचायती राज से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा संबंधित है मौलिक अधिकार से या मौलिक कर्तव्य से या राज्य के नीति निर्देश तत्व, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी यानी घौ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राज्य के कितने तत्व है, राज्य के कितने तत्व है, 2, 3, 4 या 5, जिसका आंसर हो जाएगा आपका यानी 4। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो गए हैं, आप लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लें, ये जो आपके एग्जाम में काफी पूछने की संभावनाएं हैं। जो है क्वेश्चन नंबर एक है संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, और दूसरा नंबर में है जाति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अभी समय है, किताब से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए पश्चिमीकरण को परिभाषित करें, ये जो है पश्चिमीकरण को परिभाषित करना है, उसके जनजाति की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करना है। ठीक है, जनजाति की मुख्य विशेषताएं क्या है उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है पर्यावरण की अवधारणा की चर्चा करें, पर्यावरण की अवधारणा की चर्चा करना है। 7 नंबर में ग्रामीण समुदाय क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रूरल कम्युनिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए मैं इसका आंसर इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है किसी बुक से आप लोग को देख लेना है, ये सारे जो है BBI क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में दिया हुआ है जनसंचार के साधनों की चर्चा करें, जनसंचार के साधनों की चर्चा करना है। और 10 नंबर में महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, जो काफ़ी BBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपके एग्जाम में आने की जो है पूरी संभावना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी लोग आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हैं, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।